विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास ने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की आरती की। इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि गंगा कोई नदी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है। हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की आरती में भाग लिया। इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि भारत कुलम विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले उन्होंने देवभूमि में बाबा केदार बाबा बद्रीनाथ के भी दर्शन किए। इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि भारत कुलम विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले उन्होंने देवभूमि में बाबा केदार बाबा बद्रीनाथ के भी दर्शन किए और उनसे सफलता का आशीर्वाद लिया। कुमार विश्वास ने कहा कि श्री गंगा सभा के सौजन्य से उन्हें आरती का जो पुण्य प्रसाद मिला है वो संपूर्ण जीवन उनके लिए फलदायी होगा। कुमार विश्वास ने कहा कि गंगा कोई नदी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है। ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि आज माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया है भारत कुलम, उसके लिए बाबा से अनुमति लेने के लिए, बाबा बद्री केदार से प्रणाम करने के लिए, नारायण को प्रणाम करने के लिए मैं गया था। केदार बाबा के दर्शन किए, बद्री नाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के, और बाद में गंगा महासभा के सौजन्य से आज इस आरती में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा कोई नदी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों किनारों पर ये देश स्पंदित होता है, जागृत होता है। तो दुनिया में शायद किसी एक बहती हुई जलधारा से मनुष्य जाति का इतना आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध कभी किसी विश्व की नदी में नहीं रहा जो माता गंगा के बीच है। भक्तजनों की मांग पर कुमार विश्वास ने माँ गंगा के ऊपर कविता भी सुनाई जिसे सुनकर सभी लोग भक्ति में खो गए। खिलौने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक, खिलौने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।